नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नोटों की बारिश के बहाने नाबालिग का यौन शोषण, भानेगांव में जुआ अड्डे पर छापा, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा संक्रमण। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। नोटों की बारिश के बहाने नाबालिग का यौन शोषण। नोटों की बारिश से 50 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा देकर नाबालिगों का यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने इस टोली के मुखिया, कथित तांत्रिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण की जाँच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। गिरफ्तार आरोपी सोपान उर्फ डीआर हरिभाऊ कुमरे, विनोद जयराम मसराम, चिमूर चंद्रपुर, विक्की गणेश खापरे, वृंदावन नगर यशोदरा, दिनेश महादेव निखारे तथा रामकृष्ण दादाजी महेशकर समुद्रपुर वर्धा है। तो वही दूसरी ओर भानेगांव में जुआ अड्डे पर छापा। खापरकेड़ा समीप्त भानेगांव परिसर में चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान 1,56,800 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई रविवार की दोपहर 3 बजे की है। खापरखेड़ा थाने के डीबी स्क्वाड और मानेगांव बीट के कर्मचारियों को उक्त जुआ अड्डे के बारे में सूचना मिली थी। इसके आधार पर सुनियोजित तरीके से छापा मारा गया। 6 आरोपी पकड़े गए, कुछ बच निकलने में कामयाब रहे। तो वही तीसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा संक्रमण। नागपुर जिले में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भरकस प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका फैलाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को काटोल तहसील में 31 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।